राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहरा स्कूल की कॉमर्स की छात्रा माल्या भाटिया ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करके पूरे प्रदेश में अपना, अपने परिवार का व अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं माल्या भाटिया ने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहरा के प्रधानाचार्य अनिल वर्मा ने बताया कि उनके स्कूल की कॉमर्स की छात्रा माल्या भाटिया ने पूरे हिमाचल प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करके न केवल अपना बल्कि स्कूल का और परिवार का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। उन्होंने बताया कि माल्या ने 487 अंक लेकर पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। आज हमारी बेटी माल्या भाटिया ने HP बोर्ड एजुकेशन की प्लस टू की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है और इसका मैं श्रेय बिटिया को, इसके पेरेंट्स को और टीचर्स को, जिन्होंने इस माल्या को इस तरह का माहौल प्रोवाइड करवाया कि वो अपनी स्टडी को बरक सके। और माल्या ने जैसे कहा कि ब्रेक में डालने से ज़्यादा स्टडी होती है, एक्चुअल में ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्टडी रिवील करती है कि अगर आप एक बार रेगुलर पढ़ते हो तो आप उसी 15% याद रहता है, 7% पहले का, 7% बाद। अगर आप जितनी ब्रेक ज़्यादा डालेंगे आपको उतना ही ज़्यादा याद होगा। मैं इस बेटी को अप्रिशिएट करता हूँ और भविष्य में अपनी शुभकामनाएँ अपनी तरफ स्टाफ की तरफ से करता हूँ ताकि ये अच्छे स्थान पर पहुँचे। दूसरा स्थान आया है, ये मेरे माता पिता हैं, मैं अपनी अचीवमेंट का श्रेय इन दोनों को देना चाहती हूँ। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।